हाथ से ही जो है ये पूरी रोटी गोल गोल करना शुरू कर दी। थोड़ा सा जो ना यो बुआ जी हो गई है। इसलिए होता क्या, यहाँ पे गाय भैंस जो होती हैं वो आके यहाँ पे पानी पीती हैं और मतलब थोड़ा। और ये देखिए, ये मेरी गाड़ी ओवरहीट हो के गर्मी की वजह से थोड़ा बंद पड़ गई है, तो मैंने मैकेनिक को कॉल किया था तो वो अभी आ रहा है। फूडीज, मैं आपका अपना फूडी राहुल, और आज मेरे साथ है कैरी भाई। और आज जो है दिल्ली की भाग दौड़ से थोड़ा सा हटके आज हम चल पड़े हैं वीकेंड पे अपने गांव की तरफ। एक्चुअली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अपना वीकेंड थोड़ा शहर की भाग दौड़ से दूर अपना एक शांत सी जगह पर अपने गांव में आके थोड़ा स्पेंड करेंगे टाइम। और आज का जो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं काफ़ी लंबे समय बाद अपने गाँव और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। हाँ, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए चलते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे, और खेत भी ना बड़े ही अच्छे हैं। अभी तो मतलब धान कटी है, तो आप देख रहे होंगे उधर वो सारा येलो 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 हो रहा है, तो वो सारे के सारे गेहूं जो है काट के उन्होंने डाले हुए हैं उधर की साइड। और ये देख रहे हैं, दूर तक खाली सड़कें, मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने का। जो हमारा गांव है वो दिल्ली से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है हरियाणा में, और वहां पे हम अपने रिलेटिव्स के यहां पे जा रहे हैं मिलने के लिए। तो ये जो व्लॉग है इसमें मैं आपको जितना भी है जो भी है देसी चीज़ें ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहां पे ना तो कोई फूड पिज़्ज़ा चैलेंज होने वाला है ना ही और कुछ। ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई लग्जरी लाइफ नहीं है यहाँ, सिंपल सी एक विलेज लाइफ स्टाइल है वो आपको दिखाएंगे। और विलेज लाइफ में मतलब काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो हम पहले कभी मतलब बचपन में छोटे छोटे आगे एक्सपीरियंस करते थे, तो आज हमने सोचा चलो थोड़ा हटके करते। ये देखिए, ये है काउडंग मतलब उपले, जो कि शाम को चूल्हे में और जो है जैसे जलाए जाते हैं, और यहाँ तो ये बहुत सारे हैं और फ्री मिलते हैं, बट अगर आप दिल्ली में जाते हो दिल्ली में इसके भी चार्जेस हैं 10-20 रुपीज, मतलब ये चार्जेबल हो जाता है। तो मैं आपको ना अपने गाँव का जो फेमस पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो है यहाँ की जो है एक पानी का छोटा सा तालाब टाइप है, और जोड़ बोलते हैं जिसको, और साथ में जो है ना यहाँ पे जो है ना मतलब पुराने कुएं हैं पुराने टाइप के, और साथ में यहाँ के जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो व्लॉग में जो है बने रहिएगा। देखिए ये है यहाँ गांव की एक झोड़, जो एक्चुअली एक छोटी सी जगह पे पानी इकट्ठा किया होता है उसको झोड़ बोलते हैं गाँव में। ये बेसिकली होता क्या, यहाँ पे गाय भैंस जो होती हैं वो आके यहाँ पे पानी पीती हैं और मतलब थोड़ा इंजॉय करती है पानी में। ये देख रहे हैं आप, ये सामने ये जो है भैंसें जो है पानी में घुस के लेटी हुई हैं, और विलेजर्स जो होते हैं ना मतलब जो गांव के बंदे हैं वो अपने जानवरों को बेसिकली इसी तरह के जो है तालाब, छोटा तालाब बोल सकते हैं इसको, वाटर रिसोर्स, इसमें जो है ना खुला छोड़ देते हैं ताकि वो अपने जो है वाटर एक्टिविटी कर सके। और हमें अभी अपने गाँव के बाहर हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने ना गाँव में काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट किया है, तो ये हमारे गाँव के जो बाहर जो का जो है ना एक मंदिर है, पहले यहाँ पर अखाड़ा था, पहलवान वगैरह जो है इधर अपना कुश्ती वगैरह करते थे और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करते थे देसी अखाड़ा, और अभी एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको ना एक मतलब बच्चों के लिए है, सबके लिए गांव में उनके लिए एक पार्क बना दिया गया है, पार्क में जो ना बच्चे और सब शाम को आते हैं इंजॉय करते हैं। शायद बंद है ये, अगर शाम को खुलेगा तो हम शाम को यहाँ पे आएंगे। और दिल्ली में ना मतलब अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट जैसे जैसे हम दिल्ली से थोड़ा बाहर की तरफ आए तो यहाँ पर हवा भी थोड़ी ठंडी है, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये साइड का जितना भी एरिया ना ये सारा जंगल सा एरिया है, और जिसकी खेत है, और राइट साइड में ये देखिए ये सारे के सारे खेत हैं। अभी एक्चुअली क्या गेहूं कट चुके हैं तो यहाँ पे खेत खाली है। अभी कुछ दिनों पहले बैसाखी हुई थी, तो सब बैसाखी के टाइम पे पहले वो फसलों की कटाई हो जाती है, अब बीज बोए जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं, अभी ऐसे तो पता चलता नहीं हमें। और शाम को हम खेत में घूमने जाएंगे तो आपको भी लेके जाएंगे साथ में, तो चलिएगा हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा खेत में। और ये देखिए ये कितना अच्छा कट है, मतलब लेफ्ट राइट और खेतों के बीच में से ये सड़क है। जो है बनाई हुई है, सांप वाला मोड़ बोलते हैं इसे। देखिए कार आई बिल्कुल एस शेप में, स्नेक वाले, दूर दूर तक खेत ही खेत। अभी हम आ गए हैं अपने गांव में, और ये हमारा पुराना जो है घर है, 1990 में तैयार किया था हमारे जो है फूफा जी और बुआ जी ने,
तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है भैंसे जो है चर रही हैं अपना चारा, ये देखिए। और यहाँ पे जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये गेहूँ पिस रहा है घर में ही, जो है चक्की लगाई हुई है आटा पीसने की, आटा यहाँ पे जो है निकाला जा रहा है यहाँ पे। और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कमरा है यहाँ पे जो है ना भैंसों के लिए जो चारा वगैरह होता है वो सब रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी बुआ जी, जिनकी एज हो रही है करीब करीब 90 इयर्स, और ये अभी भी भैंसों का ध्यान रखती हैं। और ये भैंस है, इसका नाम है मुन्नी, मुन्नी नाम है इनका। और ये जो छोटे वाला है चलो जो भी है, मतलब इसका नाम, इसका भी एक नाम है, और अभी अभी हुआ है कुछ ही टाइम पहले। तो ये है हमारा यहाँ पे बुआ जी का छोटा सा घर, जहाँ पे अभी हम जो है ये व्लॉग शूट करने के लिए आए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आज भी जो है चूल्हे पे जो है खाना बनाया जाता है, चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। हालांकि गैस और ये सब प्रोविज़न है, मतलब सब कुछ आ चुकी है, बट फिर भी जो है यहाँ पे आज ये भी इसको कहते हैं बिटोड़ा आज भी जो है मतलब पुराने तरीके से जो है खाना बनाया जाता है। फोकस करो, ये है, इसको क्या कहते हैं बताओ। तो फ्रेंड्स बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये उपले का जो है बना करके रखा गया है। और ये देख रहे हैं कितने सारे जो है यहाँ पे ईंधन जो है तैयार करके पहले से ही रखा गया है। और ये देखिए, ये सिंपल लाइफ है गांव की। हालांकि यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी और सारा सब कुछ है, बट फिर भी जो है यहाँ पे आज भी जो है लोग अपना इन्जॉय करना पसंद करते हैं। सिंपलिसिटी मतलब इज़ द बेस्ट। यहाँ पे देखिए, कैरी ने आके खाट पकड़ ली, और ये हमारी बुआ जी करीब करीब 90 साल के हैं, 90 इयर्स की। और यहाँ से ऊपर जाके ना ये ऊपर छत है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी एक हमारे भैया हैं, उनको आ जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा गाँव का जो है माहौल कैसा है और क्या है यहाँ पे गाँव में देखने वाली चीज़ें। तो कैरी, यहाँ पे आके बताओ आपको कैसा लग रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, हमारी बुआ जी जो है थोड़ा सा ट्रेंड में आ गई है, थोड़ा सा जो है ना यो बुआ जी हो गई है। तो बुआ जी के हाथ का खाना खाने को अभी थोड़ी देर में मिलेगा हमारे को। अभी हम जस्ट गांव में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे अभी जो है ना हमारी भाभी जी जो है अभी अंदर गई है चाय चू बनाने के लिए। मैं चाय नहीं पीता हूँ, और मैं बनवाने वाला हूँ लस्सी। तो ये है देसी छाछ, जो हमारी बुआ जी ने सवेरे जो है निकाल के हमारे लिए रखी थी। और ये डाल ले, अभी फिर से इसको मथ के जो है ना इसमें से मक्खन निकाला जा रहा है, वाइट बटर। और ये हमारी बुआ जी अभी जो है ना लगी हुई है जल्दी जल्दी हमारे को देसी छाछ पिलाने के लिए। और ये देखिए, थोड़ी देर में से ना, थोड़ी देर बाद इसमें से मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप, कोने कोने पे जो है ना जो जग है उसके मक्खन टच होने लगा है, मतलब आने लगा है मक्खन बाहर छात से। तो देसी लस्सी तैयार हो गई है, हमारी बुआ जी ने जो है बना दी है। तो चल के अभी इसको एंजॉय करते हैं। वो पीछे जो है भैंस, उसका नाम है मुन्नी, और उसका मुन्ना वो मतलब उधर की साइड, उसका नाम मुन्नी, उसका नाम बदनाम, दोनों मिला के मुन्नी बदनाम। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ना धीरे धीरे मक्खन बाहर आ गया है। डालो डालो डालो, बस बस बस। तो ये जो देसी छाछ है, इसको जो है अगर ऊपर काला नमक और जीरा भुना हुआ डाल के पिया जाए तो आहा हा हा, मज़ा ही अलग आ जाता है। कैरी रेडी हो गया दो गिलास लेकर के। मेरे वाला कहाँ है? ये छोटे वाला ले ले। तो ये छोटे वाला मेरे को दिया है, और ये बड़े वाला, इसके बावजूद भी वो देखिए जग भरा हुआ है, है? ये देखिए, ये जग में अभी बहुत कुछ है। तो अभी चीयर्स करते हैं। हल्का खट्टापन आ गया, शायद सवेरे से रखी हुई थी इस वजह से। छाछ कच्ची होती है, लस्सी मीठी होती है। तो इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डलवा लेता हूँ। तो ये है छाछ और ये है काला नमक। अब ये देखिए, इसका जो है मतलब ये टेस्ट आपको दिल्ली शहर में या और कहीं नहीं मिल सकता। टेस्ट कैसा है पहले ये बताओ। ये इसमें काला नमक डलने के बाद और ज़्यादा यमी हो गई है, यमी इन माय टमी। तो ये मैंने फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट, और लेगा थोड़ा सा। तो ये मेरा दूसरा गिलास है। बस अभी मैं सारा इसी से पी के जो है पेट नहीं भरना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद अभी मेरे को बहुत कुछ खाना पीना है। अच्छा। यहाँ पे तो कैरी,
आप भी डालो, ये थोड़ा सा लाओ डालो। बस 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 ये मेरा है। तो आज हम जो है ना गांव में आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना देसी फूड एंजॉय करने के लिए। और ये हमारे पहला जो है, मतलब मेरा तो दूसरा है गिलास छाछ का, और ये देसी छाछ है बटर के साथ, वाइट बटर के साथ। जो क्या नाम है इसका, मुन्नी है। मेरे को देख के थोड़ा सा ना वहाँ ऐसे करके सींग लाती है, तो मुझे उसके पास जाने में थोड़ा सा डर सा लगता है, कहीं मार मूर ना दे। अच्छा। और रही बात वो उसका बच्चा, उसका नाम बदनाम, तो मुन्नी और बदनाम दोनों के दोनों यहीं पे हैं। उसका नाम सांडी दर्रे बाड़ा की है। अच्छा। ओ, तो ये छोटे वाला, इसका नाम सांडी। सांडी नहीं सैंडी। हाँ, इंग्लिश में सैंडी, हिंदी और गांव में सांडी। तो ये छोटे वाला सांडी है, मतलब अभी जो है कैरी जो है ना सांडी के पास खड़ा था, तो भैंस ने ऐसे ऐसे करा, कैरी भाग के पीछे हुआ, और एकदम अमेजिंग सीन था वो देखने वाला। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट अच्छा था। ये देखिए वो हमारे खाली प्लॉट में जो है हमारी गाड़ी खड़ी है, और ये जो आगे जो दूसरा ट्रक है छोटा आती, वो पता नहीं कौन खड़ा करके चला गया आज। और ये देख रहे हैं वो दूर दूर तक जो है सारा हरियाली और खेत, और उससे आगे थोड़ा सा जंगल है। यहाँ गांव में जो है ना खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है शाम होते होते, तो ये हमारी भाभी जी है। भाभी जी ऐसे करो, हेलो हेलो। ये हमारी भाभी जी है, वो पीछे हमारी बुआ जी बैठी है और भाई हैं। और जो है ना ये देखिए यहाँ पे जो है चूल्हे की रोटी तैयार हो रही है, और वो भी एकदम मतलब ट्रेडिशनल वे में, लकड़ी की जो है ना लकड़ियाँ जला करके चूल्हे पे जो है ये गर्मा गर्म जो है फूली फूली रोटियाँ तैयार की जा रही है। और भाभी जी आज हमारी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि हम कई साल बाद आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए। तो आपने ना मतलब लैंग्वेज भी समझ ली होगी कि हाँ बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। और ये हमारी भाभी जी देखो हाथ से ही जो है ये पूरी रोटी गोल गोल करना शुरू कर दी है। और ये करते करते देखिए उधर वो चूल्हे पे एक रोटी नीचे तैयार हो रही है, एक ऊपर, और तीसरी जो है रोटी हाथ से गोल कर दी है भाभी जी ने। तो यहाँ पे ना मतलब देसी फूड का जो है एक अलग ही स्वाद आता है, क्योंकि जो गैस पे बनती है रोटी और जो चूल्हे पे बनती है दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो चूल्हे की रोटी है काफ़ी हल्की होती है खाने में, आप 3-4-5 खा लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गई, और जो गैस की होती है वो तो 2 रोटी में पेट भर जाता है। हाँ, तो भाभी जी हमारी बहुत अच्छी है, खाना वाना बनाने में लगी रहती है। जब भी हम आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बिजी कर देते हैं हम, क्योंकि हमारी थोड़ी सी ना देसी खाना खाने की डिमांड होती है कि आज हमें ये खाना है, आज हमें वो खाना है करके। तो ये देखिए एक साथ जो है 3-3 रोटियाँ बना लेती हैं, एक हाथ से, एक जो है तवे पर, और एक वो नीचे सिक रही है। तो ये ट्रेडिशनल वे है रोटी बनाने का इधर गाँव में। और मैंने आपसे पूछा था वो जो वो रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है उसे क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में 2 रोटियाँ तैयार हो गई हैं, तो यहाँ पे जो है ना ये वाइट बटर जो है ना लगा के जो है रोटी को, और ये इतना भर भर के रख दिया गया है रोटी में कि मज़ा ही आ जाएगा आज तो खाना खाने का। और देसी जो है ना खाना, मतलब चाहे चटनी रोटी का हो उसमें भी एक अलग स्वाद आता है गाँव में तो। और ये देखिए वाइट बटर निकाला हुआ है, और ये रोज़ जो है मतलब थोड़ा बहुत दूध और मलाई इकट्ठी करके इस तरह से ये वाइट बटर निकाल लेते हैं, और ये एकदम प्योरेस्ट है, प्योरेस्ट मतलब बहुत प्योर है। और खाने में इसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा सा आता है, हल्का सा नमकीन सा। तो यहाँ पे जो है ना ये अभी भैंस का दूध निकाला जाएगा, ये सांडी को जो है छोटे वाला जिसका नाम सैंडी है जिसको सांडी बोलते हैं, तो उसे जो है अभी साइड कर दिया गया है। भैंस जो है ये देखिए रिएक्शन दे रही है, हैं, और बड़े ही मतलब एग्रेसिव उस मोड में है, आ गई है। और उसके बाद ये शुरू हो गया दूध निकलना भैंस का, ओ ईशावास ये देखा पूछ मारी। तो यहाँ पे देखिए दूध निकलना शुरू हो गया भैंस का, दूध निकालना भी एक आया था। अगर मैं ट्राई करूँ तो मेरे से तो होने से रहा ये सब, क्योंकि जो ये जानवर है भैंस और बफेलो और ये जो काउज होती हैं, गाय और भैंस जो है अपने
दूध उन्हीं को निकालने देती है जो उनकी सेवा करते हैं या ज़्यादा उनसे टच में रहते हैं। तो ये रोज का जो है हमारी भाभी जी सुबह और शाम जो है दूध का नमस्ते। तो सुबह और शाम जो है हमारी भाभी जी ये रोज़ जो है भैंस का दूध निकालती हैं और भैंस का नाम है मुन्नी। ये देखिए मुन्नी। और हमारी बुआ जी जो है उसकी सफाई करते हुए ताकि उसको मक्खी वगैरह ना लगे और दूसरा मतलब ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ की जो है चौपाल है जो एक तरह का कम्युनिटी सेंटर बोल सकते हैं आप। और अभी ये बंद पड़ा है और गांव के जितने भी छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं वो इसी में होते हैं। फ्रेंड्स अब ये पीछे कैरी है मेरे साथ और एक मेरे सरपंच जो गांव के हैं है, इनका नाम है योगेश कुमार जी। और आज हमारे को खेतों में घुमाने लेकर आए हैं। और चलिए मैं दिखा यहाँ के हरे भरे खेत। ये देखिए यहाँ पे ना ये प्याज बोई गई है और प्याज का खेत है ये। सरपंच साहब ये क्या है बताओ जरा। और ये देखिए दूर दूर तक जो है खुला मैदान खेत और हरियाली हरियाली कितना अच्छा लगता है। मतलब दिल्ली से थोड़ा बाहर निकल के ऐसी जगह में इंजॉय करना। तो ये आप देख रहे हैं सामने ये जो बने हुए ये खेतों में ना पंप हाउस बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे ना ट्यूबवेल वगैरह से पानी दिया जाता है खेतों में और ये जब सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से ही होती है आजकल। तो ये देखिए कितना अच्छा ये प्याज बो रखी है सारी की सारी। ये प्याज का खेत है और वो दूर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे जो है ना एक सड़क है वहाँ से गाड़ी जा रही है। और यहाँ पे जो बर्ड्स जो पक्षियों के आप आवाज़ नहीं सुनते हैं दिल्ली में यहाँ पे आपको सुनने की साफ मिलेगी। जैसे अभी शाम का समय और कोयल बोल रही है उधर पेड़ पे। तो अभी जो है ये सरपंच साहब हैं तो ये लेके जा रहे हैं हमारे को अपने खेत दिखाने के लिए। तो अभी सरपंच जी ये आप अभी आपने वो चौपाल में थोड़ा काम करवाया था इसके बाद आपके खेत कहाँ से कहाँ तक है सर? हमारे खेत उस रोड से लेके ऐसे घूमते हुए यहाँ तक है। तो ये कितना बीघा होंगे करीब करीब? ये है 50 बीघे। 50 बीघे तो काफ़ी अच्छी जमीन है इनके पास। और ये वाले जो खेत हैं इनमें से एक खेत जो है ना हमारी बुआ जी का है और बाकी जो है ना खेत ये यहाँ के चौकीदार हैं प्रधान जी। प्रधान जी आप वाले कौन से हैं? हमारा वाला ये प्याज वाला है। तो ये अभी जो है ना यहाँ पे प्याज बोई गई है और हम चल पड़े हैं अब इवनिंग वॉक में। और इवनिंग वॉक में भी जो है ना बस अभी हम खेतों घूमने के लिए निकले हैं। इसके बाद हम वापस घर जाएंगे और घर जाके कुछ फूड इंजॉय करेंगे। इसमें सरसों बड़े तैयार करेंगे इसमें ये जो अभी जो ये दूसरे वाला है इस वाले खेत में जो है अभी सरसों बोई जाएगी मतलब उगाई जाएगी तो उसे लगेगा समय। और ये देखिए ये है गांव जहां पे हम आए हुए हैं। और धीरे धीरे जो है मध्यम शाम हो रही है। ये भैंसों का चारा और ये जवार बो रखी है भैंसों का चारा जिसे कहते हैं। और ये जो है ना जवार बोई हुई है भैंसों का चारा है एक तरह का। और मौसम बड़ा सुहाना हो गया है यहाँ पे ना हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। मतलब टेम्परेचर दिल्ली में 41 था तो यहाँ पे करीब करीब होगा 35 के आसपास तो ज़रूर होगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर करीब 35 होगा क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है खेतों के बीच में। और ये देखिए ये खुले खुले खेत और वो पीछे की साइड आप देख रहे होंगे तो वो एक गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ से काफ़ी दूरी पे करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है वो। और फ्रेंड्स ये पगडंडी है खेतों जाने के लिए। तो ये पीछे हमारे ये भाई लोग आ रहे हैं और ये पगडंडी है इस पर देख देख के चलना पड़ रहा है मेरे को काफ़ी सावधानी से। और ये हमारा एक और खेत है जिसमें हम जा रहे हैं अभी। शाम का टाइम हो चुका है मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है दिन के टाइम में बहुत गर्म था। अब देखो एक गांव की यही खासियत है कि यहाँ पे शाम को मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और विलेज लाइफ का मज़ा ही कुछ और है। मतलब आप शाम को ही शुरू होता है देसी जो है चीज़ें इंजॉय करते। अभी हम एक्चुअली एक छोटी सी पार्टी प्लान कर रहे हैं जो कि हम खेतों के बीच में जाके बैठना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है और वहाँ पे हम थोड़ा खाने पीने का प्लान कर रहे हैं कुछ। और ये हमारे सरपंच जी हैं यहाँ गांव के प्रधान जी और पीछे खड़े हैं वो। तो अभी हम उन्हीं के खेत में जा रहे हैं
पार्टी प्लान करने के लिए, क्योंकि चारों तरफ जो है ना खेत खेत होंगे और हम बीच में बैठ के जो है कुछ ना कुछ खा पी रहे होंगे, तो ये वो भी एक काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं खेत, ये है ज्वार, और ये ज्वार जो होती है ये एक भैंसों को खिलाने के लिए चारा है ये एक्चुअली। और जैसे जैसे अभी शाम बढ़ती जा रही है, ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा पिंक पिंक कलर आ गया उधर, हाँ, और धीरे धीरे जो है सूरज जो है नीचे छुपता जा रहा है, लालिमा आती जा रही है, और हम जो है खेतों में चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर थोड़ी दूर और जाके हम स्टार्ट करेंगे अपनी पार्टी, हो सकता है ये खेतों में करें हम, और ये भी हो सकता है कि हम इसको अपनी लोकेशन पे जाके करें। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगता है इतने लंबे अरसे के बाद अपने गांव में आना और आके एंजॉय करना। ये देखिए ये पीछे सारे बड़े बड़े खेत लंबे, पीछे देखिए खाली खेत, अभी यहाँ से ये धान कटाई हो चुकी है, और वो पीछे देख रहे हैं वो पीछे की तरफ वो बस स्टैंड है, और ये खेत हैं हरे हरे खेत। एक अलग सी आवाज़ आती है, ये देखें झिंगूर की आवाज़ है ये खेतों में, और वो बीच में देख रहे हैं वो आपका पंप हाउस है पानी देने के लिए। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो नए नए व्लॉग्स जो मैं अभी आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ, नई वीडियोज़ जो आपके लिए लेके आने वाला हूँ वो आप देख सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, प्यार बांटो सब में। हाँ, और जो है ना हमारे को कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है अपने व्लॉग्स में, हाँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आप को सुधार सकें, हमें पता है गलतियाँ तो होती हैं। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, पीस।